आज के काम की शुरुआत देखिए, पूरी मशीन भरी पड़ी है। इधर कपड़े पड़े हैं, इस मशीन में पड़े हैं। आज इतने सारे कपड़े धुलने हैं, इन्हें ऊपर डाल के आना है, फिर आयरन करनी है। बाप रे, आज मतलब बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं ये सारा काम निपटाती हूँ। और पूजा कर लो पहले। हाँ, लोटे में ले लो। तो ये सारा काम करने के बाद ये नहा के आ गए, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि पूजा कर लो, आज मेरा काम हो गया बहुत लेट। अभी तो मैंने प्लांट्स पे पानी डाला है और सारे घर की कंडीशन हुई पड़ी है ये, तो सारे मैं लगाती हूँ। अभी मैं पोछा और सारे मैं साफ करके क्लीन करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो जब तक के लिए बने रहना ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये भी अपना जल देने के लिए चले गए हैं, छत पे जो हमारे शिवलिंग रखे हैं वहीं पर, तो वहाँ जल देने के लिए चले गए हैं। और जो मेरा काम आज फैला पड़ा था, जो मतलब ओवर हो चुका था मुझसे, मैं उसको समेटने पे लगी हुई हूँ। और सच्ची मतलब लेट उठना तो पूरा बवाल है भाई। हुआ एक्चुअली में आज ये कि 4 बजे आँख तो खुली थी, पर पता नहीं वापस से कैसे नींद आ गई। रात बहुत लेट हो गई थी सोने में, तो फिर वापस से जब मेरी आँखें खुली तो 5:15 बज रहे थे। और उस समय से मैं लगातार काम किए जा रही हूँ और सारा दिन फैल गया है। आप लोगों ने जब से मेरे व्लॉग देखे हैं, देखा भी होगा मेरा बहुत जल्दी लग जाता है पोछा। आज होगी काम को देर मेरे। ऐसा कभी हुआ मेरे से पहले कहाँ नहालोगे आप? होने वाला है बस। और कितनी देर में? मुश्किल से अभी चाहिए 15-20 मिनट। क्या कपड़े धुल रहे हैं? कपड़े भी धुल रहे हैं, पोछा भी लग रहा है। चाय पियो आराम से। ऐसे ही अभी धूप बत्ती लगा लो बस। देखो ऐसी तो अच्छे बच्चे। मेरा बेटा कर रहा है पूजा यहाँ पे। आज मेरे बेटे का है व्रत दक्ष का। तो अब पहले धूप बत्ती बनाओ बेटा। अच्छा बना के रखी है, समझदार हो गया। टीका लगा देना बेटे सबके, है ना, सारे भगवान जी के, और अपने भी लगा लियो बेटे। ठीक है, कर लू मैं। चलो इन्हें हैप्पी शिवरात्रि बोल दो सबको। हैप्पी शिवरात्रि भाई दक्ष की तरफ से। हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। दक्ष कर रहा है अपनी पूजा यहाँ पे। अभी मैं मिलती हूँ अभी और थोड़ी देर बाद। अपना अभी थोड़ा सा काम कर लूँ। मैं चाय बना लूँ बेटे पहले तुम्हारे लिए? दक्ष के लिए बनाती हूँ सबसे पहले चाय, उसके बाद करूंगी मैं कुछ काम। मशीन भी बोल रही है तो पता है, थोड़ा सा भी लेट उठने से ना रूटीन ख़राब हो जाता है। मतलब वो एनर्जी नहीं रहती शरीर में जो सुबह सुबह रहती है। तो फिर भी मैंने कवर अप कर लिया था काम, और 8 बजे लगभग समथिंग मेरी पूजा भी होने लगी थी। मैं 8 बजे मैंने पूजा कर ली थी, उससे पहले आज इन दोनों ने भी कर ली है। थोड़ा लेट इसलिए भी हो गई हूँ क्योंकि बीच बीच में इन लोगों को चाय बना कर दी, क्योंकि उन वो काविंदर जी नहा ली थी तो उनको बना कर दी, फिर दक्ष नहा लिया तो उसको रेडी करके दी, और फिर लास्ट में मैं नहा के आई हूँ। और आज कपड़े तो पूछो ही मत, पता नहीं कितने सारे हो गए थे धुलने के लिए। इन दिनों में क्या होता है, तो शादियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऊपर से स्वेटर और जींस वगैरह ये सारी काफ़ी हो रही हैं, शर्ट, मतलब बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। और घर में आने वाली हैं शादी एक दो, तो अब तो बहुत पूरी तरीके से मतलब काम फैलने वाला है बिल्कुल। तो मतलब उसकी भी तैयारी चल रही है। आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देखेंगे हमारे घर में शादी वाले व्लॉग्स होने वाले हैं, तो फिर देखते हैं अभी। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने आज अपने मंदिर की लाइट्स सारी ऑन कर दी हैं। वैसे मोस्टली मैं इनको करती नहीं हूँ, बंद करके रखती हूँ, क्योंकि फिर इन्वर्टर पर काफ़ी वो पड़ता है ना लोड जब लाइट वगैरह चली जाती है। तो आज मैंने शिवरात्रि के पर्व पर इसको वापस से ऑन कर दिया और अपने मंदिर को सजा दिया बहुत अच्छे से, और मैंने कर ली पूजा। चलो अब चलते हैं, चाय वगैरह पीती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो सारा फैशन एक तरफ और स्वेटर एक तरफ, तो भैया हमने तो पहन लिया अपना स्वेटर, और पूजा तो मैंने ऐसी कर ली थी, और पूजा करने के बाद रुका गया, तो भैया मैंने पहन लिया है स्वेटर यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी मुझे। और मैं अपनी पी लेती हूँ चाय। दक्ष महाराज अपनी चाय वगैरह पीकर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये बैठे हैं साहब, और एनुअल आई गए हैं। तो दक्ष ने आज प्रॉमिस किया है तो कम फोन चलाएगा, जरा अपना एनुअल की तैयारी करेगा। तो चलो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज तो वैसे भी व्रत है तो खत्म तो होना ही नहीं है, सारे दिन काम आज नहीं खत्म होने वाला है। आज तो कुछ ना कुछ बनने पे ही रहेगा, ये बनाओ वो बनाओ। तो अभी थोड़ी देर आराम से रेस्ट करूंगी, अपने क्वेश्चन पेपर्स बनाऊंगी, एग्जाम पेपर बनने हैं मतलब,
एनुअल के लिए कुछ क्लासेस के, तो वो रेडी करूंगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। तो इतने मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कुछ कहना चाहोगे भैया जी? कुछ नहीं, चाय वगैरह पी ली है, चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज आप लोगों को बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हुआ ऐसे कि यहाँ पर तो मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे, थोड़ा मैंने मिठाई पिघला ली है, उसमें चीनी भी डाली है। आज मैंने बिल्कुल प्रॉपर गुड़ के वाले नहीं बनाए हैं, इसमें चीनी भी डाली है मैंने। तो यहाँ पर तो मैंने ये लड्डू बना लिए हैं, और आगे आप ये देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने काविंदर जी से पैसों की डिमांड करी, तो वो बस झटपट निकल ली है चुपचाप, पैसे की डिमांड होते ही। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर बनाए हैं लड्डू। और एग्ज़ाम पेपर की बात कर रही थी मैं, तो वो मेरे एक दो ही बन पाए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो वो काम भी मेरा रह रहा है। तो उसको भी मैंने, मुझे करना है घर के काम के साथ साथ, बिकॉज दो दिन की छुट्टी है और फिर आज ही हम लोग घर पर हैं, मतलब आज मैं हूँ घर पर, मुझे कल कहीं जाना है। तो वो मैं दिखाई दूंगी आप लोगों को व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पर दक्ष आज बिना कहे जो है मेरी हेल्प कराने लग गया था, तो थोड़ा जल्दी हो गया काम, उसने सारे आलू कट कर दिए थे। और अभी आप देखिएगा काविंदर जी की बातें, ये देखो दक्ष करवा रहा है यहाँ पे मेरी हेल्प, और क्या कर रहा है, आलू काट रहा है दक्ष। तो भैया आलू खुद बनाएगा आज है, खुद बनाएगा, और क्या क्या बनाएगा, और क्या। तो दक्ष को लग रही है खाने की ललक, तो वो आके लग गया किचन में, बोला मम्मा मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, आलू काट देता हूँ। तो बाकी सारी चीजें मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ये लड्डू बना के रखी दिए हैं चौलाई के, ये बना ली है मैंने इसके लिए इमली वाली मीठी वाली खटाई बना दी भी है मैंने ये, ठीक है। तो चलो जल्दी से आलू कर देती हूँ मैं फ्राई, दक्ष को खानी है। दक्ष ने काट दिए यहाँ पर आलू, और अच्छे भी काट रहा है, छोटे छोटे पीसेस, ये देखो। आना चाहिए सब काम, सब बच्चों को काम करना चाहिए, जैसे दक्ष हेल्प करा रहा है ऐसे सबको हेल्प करानी चाहिए। इस मामले में कुछ ना कहेगा, इस मामले में कोई ना कहेगा कुछ क्या कि दक्ष काम करता है, सब कहेंगे देखना, क्योंकि दिख रहा है। बुराई करना आता है लोगों को और कुछ ना। ना बेटा ऐसी भी बात नहीं है, अच्छे को अच्छा भी बताते हैं। बुराई करी है क्या तुम्हारी? है, एक नाम नहीं बताना चाहता, यूस है उनका नाम। अच्छा, उन्होंने बुराई करी है। तो बुराई, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता बुराई करने से ना, उससे बुराई करने से क्या होता, बुराई करने से तो अपने में इम्प्रूवमेंट होता है ना। तो अब तो आपका वर्क कर रहे हो, तो वर्क करने को तो सभी कहेंगे, तो चलो ऐसे बुरा नहीं मानते। चलो करती हूँ मैं आलू भूनने की तैयारी। भाई जी ने कर दिया मेरे काम काफी सारा, जल्दी जल्दी काट रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। तो चलो मैं काट लेती हूँ उसके लिए सामान, हरी मिर्च वगैरह, और इसमें डाल देती हूँ घी। तो आज पता है मैंने और दक्ष ने जो है काविंदर जी का एक नया नाम रखा है, हमने उनका नाम रखा है हिटलर। जैसे कि हिटलर के बारे में आपने सुना है, ऐसे ही हमारे घर के हिटलर हैं। नहीं बाबा, पैसे उधार है, पापा को साढ़े तीन बोल दो। हेलो, आप बोल करो, और कौन जाएगा मेरे साथ? पापा देंगे, मिलेंगे मेले के पैसे, तो मुझे भी दो। अब घर का मुखिया को कौन देगा, बोला घर के मुखिया हो, क्यों भाई घर के मुखिया को कौन देगा पैसे, मालिक हो घर के, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो जो मालिक होता है, जिसके ऊपर मालिक पगड़ी होती है कि वो घर का मालिक है, तो वही तो सबका ध्यान रखेगा, ऐसा ही है। नहीं ना ना, मालिक तो आप ही हो ना ना ना, तुम भाई दो पैसे लाओ, हम माँ बेटा जा रहे हैं मेले में। अरे दक्षी तो भाग गए पैसे के ना, हमने भले पैसे मांगे, अच्छा ना ले रहे पैसे, आ तो जाओ अच्छा थोड़े से तो दे दो बस बेटा, और मत काट। तो भैया दक्ष मालिक तो गया हमारा, तो अब ऐसा कर मैं दे दूंगी, 500 500 रुपए मेले के लिए।
अरे भैया बड़ा खतरनाक मेला तो मेला में पूजा कर रहे हैं। अच्छा रखने हैं अपने पास। शादी वादी आ रही है। शादी शादी में तुम पैसे का क्या करोगे? ठंडा बेटा जरूरत करती है शादी। ठीक है। हाँ कर।